जानकारी दे दें कि चित्तौड़गढ़ में फिर से कांग्रेस को झटका लगा है। कांग्रेस के 5 पदाधिकारी हाथ का साथ छोड़कर बीजेपी के कुनबे में शामिल हो गए हैं। जानकारी दे दें कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कांग्रेस नेता नारायण सिंह बड़ौली, इसके अलावा सुभाष सिंह राणावत, ललित सिंह, प्रकाश चौधरी और शिव प्रकाश की पार्टी का दुपट्टा उनको उड़ाया और भाजपा में शामिल करवा लिया गया है। फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा कि देश में प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को स्वीकार किया जा रहा है और देश प्रधानमंत्री मोदी की ओर देख रहा है। इस दौरान भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष और लोकसभा के प्रत्याशी सीपी जोशी से खास बातचीत की सहयोगी पीके अग्रवाल ने देखी। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी इन दिनों चित्तौड़गढ़ के दौरे पर निश्चित तौर पर चित्तौड़गढ़ लोकसभा संसदीय क्षेत्र से प्रत्याशी भी हैं, जानने की कोशिश करेंगे। लगातार कुनबा बढ़ता जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का, आज भी कुछ पदाधिकारियों ने पार्टी ज्वाइन की है, कैसे देखते हैं आप इस कुनबा बढ़ने के? देखिए, कहीं कहीं जहाँ अविश्वास होता है वहाँ दूरियाँ पड़ती है और जहाँ विश्वास होता है वहाँ सबका मिलन होता है। आप जो लोग आज भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की हैं, जिन्होंने बहुत लंबे समय से कांग्रेस पार्टी में और कांग्रेस पार्टी के व्याप को बढ़ाने के लिए अपना पूरा जीवन दिया, लेकिन जिस प्रकार से कमज़ोर नेतृत्व, कमज़ोर नीति और नियत के कारण और जिस प्रकार से लगातार सनातन को गाली दी जा रही है, राम मंदिर के ट्रस्ट के दिव्य और भव्य रामलला की मूर्ति की स्थापना के समय जब निमंत्रण दिया गया, उस निमंत्रण को ठुकरा दिया, तो उससे ठेस पहुँचकर आज जिस प्रकार से हम लोग देख रहे हैं कि आज पूरा देश नहीं दुनिया के राम भक्त इस 22 तारीख को दिवाली मना रहे थे और लोग उस निमंत्रण को ठुकरा रहे थे, तो उससे आहत होकर आज आप देखिए कि किसान के कल्याण के लिए, गरीब के उत्थान के लिए क्या काम किया। सनातन को आप गाली दोगे तो कोई आपके साथ नहीं रहेगा। एक तरफ कमज़ोर नेतृत्व है तो दूसरी तरफ नरेंद्र मोदी जी जैसा एक मजबूत नेतृत्व है, जहाँ जिन्होंने पूरी दुनिया में भारत के वैभव को बढ़ाने के लिए अपना पल पल और अपना क्षण क्षण दिया है। एक तरफ वो नेता है जो वर्ष में कई महीने अपने आमोद प्रमोद के लिए बाहर विदेश में रहते हैं और दूसरी तरफ वो नरेंद्र मोदी जी हैं जिन्होंने मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री रहते हुए 23 साल में एक घंटा भी अपने व्यक्तिगत जीवन के लिए नहीं दिया। कल जिस प्रकार से कांग्रेस के राष्ट्रीय मल्लिकार्जुन खड़गे आए थे, कह रहे हैं कि उनके पास एक वाशिंग मशीन है, बड़ी वाली वाशिंग मशीन है, हमारे यहाँ आरोप लगाते हैं भ्रष्टाचार के, उन्हीं को अपनी पार्टी में ले जाकर के धोखा सुसा कर लेते हैं। इनके ऊपर क्या आरोप लगा? कभी किसी के ऊपर आरोप नहीं लगा, लेकिन मैं सोचता हूँ ये आरोप क्यों लग रहे हैं इनको सोचना चाहिए। और आखिर 10 सालों में आप नरेंद्र मोदी जी के ऊपर एक भी आरोप नहीं लगा पाए, ये भी आपको सोचना चाहिए। आप नेहरू जी के जीप घोटाले से आप उठाकर देखिए, चाहे बोफोर्स हो, चाहे अदर सोसाइटी हो, चाहे आपका खेल घोटाला हो, कॉमनवेल्थ हो, चाहे चीनी घोटाला हो, चाहे गेहूं घोटाला हो, चाहे आपका तार घोटाला हो, टेलीफोन घोटाला हो, एक के बाद एक सीरीज है। आखिर क्या कारण है कि इन 10 वर्षों में एक भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा? आखिर क्या कारण है कि उरी और पुलवामा के अपने कुत्सित प्रयास, जिसका जवाब भी पाकिस्तान में जाकर मिला, इसके अलावा देश में कहीं भी कोई आतंकवादी घटना नहीं हुई, आखिर क्या कारण है कि इन 10 वर्षों में भारत के तिरंगे की महत्ता दुनिया में बढ़ी है? तो ये काम, यही विश्वास नरेंद्र मोदी जी का और भारतीय जनता पार्टी का है। अंत में सिर्फ इतना जानना चाहेंगे, आप लोकसभा के प्रत्याशी और अपने लोकसभा क्षेत्र में जा रहे हैं, वो स्थानीय मुद्दे कौन कौन से जिन्हें लेकर सीपी जोशी पहुँच रहे हैं? देखिए, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, मैं कांग्रेस के माननीय प्रत्याशी जी को भी कहा, मैंने कहा आपने सांसद रहते हुए क्या किया, आपने राजस्थान सरकार में मंत्री रहते हुए क्या उपलब्धि दी, ये जनता को बताना चाहिए। मैं ये कह सकता हूँ कि मोदी जी की सरकार में दूर पर जहाँ रानी पद्मावती का गलत शिलालेख लगा हुआ था उसको हटाकर हमने गौरवशाली इतिहास अंकित किया, हमने जौहर स्थली का डेवलपमेंट किया, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप के ऊपर, जालामान के ऊपर, राव जयमल जी के ऊपर पहली बार भारत सरकार ने डाक टिकट जारी किया, किसान के लिए किसान सम्मान निधि दी, आज वल्लभ नगर में नया कृषि विज्ञान केंद्र खुलाया तो प्रतापगढ़ में नया भवन बनाया, चित्तौड़गढ़ में केंद्रीय विद्यालय, प्रतापगढ़ में केंद्रीय विद्यालय, प्रतापगढ़ में नवोदय विद्यालय छोटी सादड़ी में, चित्तौड़, प्रतापगढ़, उदयपुर तीनों ज़िलों में पहली बार पासपोर्ट ऑफिस, आज़ादी के इतने वर्षों के बाद छोटी सादड़ी, कुराबर और वल्लभ नगर मावली की और बड़साड़ी की कई पंचायतों में आज़ादी के इतने वर्षों के बाद TSP में शामिल किया गया,
मावली से बड़ी सादरी बातें होती थी, आज रेल दौड़ रही है। बड़ी सादरी से नीमच स्वीकृत हो गया, काम चालू हो गया। मावली से मारवाड़ स्वीकृत हो गया, काम चालू हो गया। विद्युतीकरण से लेकर दोहरीकरण और गैस कन्वर्जन, ये पहली बार इस क्षेत्र की जनता ने देखा है। 4 लेन बीजेपी के राज में बना तो 6 लेन भी बीजेपी के राज में बना है। यहाँ एयरपोर्ट का डेवलपमेंट पहली बार 900 करोड़ रुपया मोदी सरकार ने दिया है। कि इन 10 सालों में न सिर्फ विकास कार्य हुए हैं मोदी सरकार में, बल्कि देश के तिरंगे का मान भी बढ़ा है। इस दौरान सीपी जोशी ने कांग्रेस पर भी जमकर तंज कसे। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज, चित्तौड़गढ़। दिया कुमारी चित्तौड़गढ़ के दौरे पर रही, जहां सीसीपी जोशी के लोकसभा चुनाव कार्यालय पहुंची और भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी से मुलाकात कर लोकसभा चुनाव को लेकर चर्चा की। वहीं डिप्टी सीएम दिया कुमारी का जोरदार स्वागत हुआ और इस दौरान फर्स्ट इंडिया से खास बातचीत में डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा कि प्रदेश में हम सभी 25 लोकसभा सीट जीत रहे हैं। दिया कुमारी से खास बातचीत के सहयोगी पीके अग्रवाल ने देखिए। डिप्टी सीएम दिया कुमारी चित्तौड़गढ़ के दौरे पर, निश्चित तौर पर चित्तौड़गढ़ दुर्ग पर आयोजित जौहर स्मृति संस्थान के जोर से दली समारोह में शिरकत की है। जानने की कोशिश करेंगे, यूं तो राजनीतिक लोग हैं तो बात तो राजनीति की होती ही है, लोकसभा चुनाव है, कैसे देखते हैं आप पूरे लोकसभा चुनाव को? देखिए, 25 की 25 सीटें राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में होने वाली हैं, आने वाली हैं। जैसे पिछली दो बार आई हैं, वैसे तीसरी बार भी होंगी और निश्चित रूप से तीसरी बार मोदी सरकार दिल्ली में बनना तय। राजस्थान सरकार इस बार वो कौन कौन से मुद्दे हैं जिन्हें लेकर राजस्थान में जनता के बीच जा रही है लोकसभा चुनाव के वास्ते? देखिए, सबसे बड़ा हमारा मुद्दा है विकास, जो मोदी जी ने किया है। 10 साल में देखा है लोगों ने कितना बदलाव आया है पूरे देश में, चाहे सड़कों की बात करें, रेलवे नेटवर्क की बात करें, एविएशन की बात करें, हॉस्पिटल्स की बात करें, एजुकेशन की बात करें, युवाओं को रोज़गार देने की बात करें, महिला उत्थान की बात करें, किसानों की बात करें, ऐसा कोई वर्ग नहीं है जिसका विकास नहीं हुआ है, जिसको योजना से नहीं जोड़ा हुआ। तो वो उसको देखते हुए हम लोग लोगों के सामने, जनता के सामने जा रहे हैं और जनता भी समझ रही इस बात को। और जिस तरह से हमारे देश को एक मजबूत आर्थिक व्यवस्था दी है मोदी जी ने, एक विकसित राष्ट्र बना रहे हैं मोदी जी, ये सब देखते हुए हर व्यक्ति मोदी जी को ही वोट करेगा और हमारे सारे सांसद जीत कर दिल्ली जाएंगे, पार्लियामेंट में जाएंगे और 400 पार हमारे इस बार सांसद होने वाले हैं। कांग्रेस के बड़े गंभीर आरोप हैं, जिस प्रकार से कांग्रेस कहती है 2 टेनुअर हो गए केंद्र सरकार के, एंटी इनकम्बेंसी है, 6 महीने से लोगों ने राजस्थान सरकार को जवाब मिल जाएगा, कांग्रेस को 4 जून को जवाब मिल जाएगा। निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि दिया कुमारी ने साफ शब्दों में कहा है कि कांग्रेस को 4 जून को जवाब मिल जाएगा। और बड़ी बात यह है कि उन्होंने फिर से दावा किया है कि प्रदेश में तो 25 सीटें जीतने जा ही रहे हैं, लेकिन राजस्थान के अलावा देश में जो नारा दिया है कि 400 पार वह भी पूरे करना जा रहे हैं। कैमरा पर्सन चंद्रेश जैन के साथ पीके अग्रवाल, फर्स्ट इंडिया न्यूज, चित्तौड़गढ़। और देखिए, बूंदी में लोकसभा चुनाव के लिए नियुक्त सामान्य पर्यवेक्षक डॉक्टर एन वेंकटाचलम और साथी पुलिस पर्यवेक्षक चंद्रशेखर सोलंकी ने चुनाव के लिए की जा रही तैयारियों का अवलोकन किया। सामान्य पर्यवेक्षक डॉक्टर एन वेंकटाचलम ने हायर सेकेंडरी परिसर में मतदान दल रवानगी के लिए की गई व्यवस्थाओं का जायजा लिया और उन्होंने हायर सेकेंडरी स्कूल में विधानसभाएं बनाए गए स्ट्रांग रूम का भी निरीक्षण किया और निर्देश दिए कि स्ट्रांग रूम की खिड़कियां अच्छी तरह से बंद रहे और सुरक्षा व्यवस्था के बेहतरीन प्रबंध रहे। इससे पहले पर्यवेक्षकों ने बरुथन चेक पोस्ट का निरीक्षण किया और अब तक की कार्रवाई की जानकारी लेकर आवश्यक दिशा निर्देश भी यहां पर दिए गए। कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज अलवर के दौरे पर रहे, यहां पहुंचने पर उनका पार्टी कार्यकर्ताओं ने जमकर स्वागत किया। इसके बाद सतपाल महाराज ने ऋषि अभय समाज में अलवर सीट से लोकसभा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव के समर्थन में रैली की। इस दौरान उन्होंने कहा कि लाल चौक में तिरंगा पहनाने की किसी में साहस नहीं था, वो आज तिरंगा फहराया भी गया और आप देख भी पाएंगे कि वहां पे आज भी तिरंगा जो है फहराया जाता है, ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि है। इसके अलावा सतपाल महाराज ने कहा कि रसिया और यूक्रेन के बीच में लड़ाई हुई थी, तब यूक्रेन में हमारे 25,000 छात्र पढ़ रहे थे, वो वहां पर फंस गए थे, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने 4.5 घंटे तक युद्ध रुकवा कर
माफ कीजिएगा 22,500 छात्रों को निकलवाया था। इसके अलावा प्रत्याशी भूपेंद्र यादव ने कहा कि इस बार लोग मोदी की गारंटी पर विश्वास कर रहे हैं। इस मौके पर वन राज्य मंत्री संजय शर्मा, पूर्व सांसद करण सिंह यादव, पूर्व विधायक बनवारी लाल, इसके अलावा पूर्व जिला अध्यक्ष पंडित धर्मवीर शर्मा, अध्यक्ष अशोक गुप्ता, पूर्व प्रत्याशी राजगढ़ बनाराम मीणा, पूर्व जिला अध्यक्ष संजय नरुका, घनश्याम गुर्जर, महापौर पंडित जल सिंह सहित पार्टी के कार्यकर्ता और गणमान्य लोग मौजूद रहे। केंद्र सरकार ने 170 कानून जो पहले जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थे वो लागू कर दिए, तो बहुत बड़ी हमारी उपलब्धि है। जो हमारा मस्तक हमसे टूटा जा रहा था, जहां केवल परिवार वालों का राज्य था, सारा पैसा उनकी सरकार, जो परिवार वाली सरकार थी, उनको मिलता था और समाप्त हो जाता था, वहां मोदी जी ने करिश्मा करके वैश्विक भूमिका जो चल रहा है, भारत इस प्रकार से विश्व की बड़ी अर्थव्यवस्था बना है, भारत में कोविड के समय में जो वैक्सीनेशन का कार्य किया गया है, ये सब उदाहरण उन्होंने बहुत सही गिनाए हैं और जनता में तो इस बात को लेकर उत्साह, यही तो कारण है कि इस बार लोग मोदी की गारंटी पर विश्वास करें। 2018 का विधानसभा का चुनाव था, यही मैदान था, यही श्रद्धालु थे और आपने अपना आशीर्वाद देकर के मुझे पहली बार राजस्थान विधानसभा में भेजा था। 2023 में जब चुनाव आया तब आप देश में कई कथा के दौरान व्यस्त थे, तो श्रद्धेय विभूति महाराज पधारे थे, उनके आशीर्वाद से और आपके आशीर्वाद से दोबारा मुझे राजस्थान विधानसभा में पहुंचने का मौका मिला और आज आपके श्री चरणों में सादर वंदन करते हुए निवेदन करना चाहूंगा कि आपकी कृपा अलवर शहर सहित पूरे अलवर जिले में बनी रहे। लोकसभा चुनाव और देखिए चुनाव के मद्देनजर दो दिन पहले हथियार और गोला बारूद के जखीरे के साथ पकड़े गए 30 साल से फरार कुख्यात आरोपी के मामले को लेकर कांग्रेस नेता और बायतू विधायक हरीश चौधरी ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान कई सवाल खड़े करते हुए पूरे मामले को न्यायिक जांच करवाने की मांग यहां पर उठाई गई। हरीश चौधरी ने प्रेस वार्ता कर कहा कि थार के इस बॉर्डर इलाके में पिछले 30 वर्ष से फरार आरोपी लाल सिंह को फंडिंग की जा रही थी और उसके बाद लोकसभा चुनाव के मद्देनजर अभी तक इतना बड़ा हथियार और गोला बारूद जखीरा पकड़े जाना बॉर्डर के इलाकों में बहुत बड़ी चिंता का विषय रहा है और लोकसभा चुनाव और इसके बीच में इतना बड़ा हथियार और गोला बारूद के जखीरे को किसी मकसद से इकट्ठा किया गया था, इसका भी खुलासा होना चाहिए। हमारे थार स्थितियां बहुत गंभीर बन गई। दो दिन पूर्व जोधपुर रेंज के आईजी ने जो उस दिन तक हम लोगों को एक अपराधी लग रहा था, पर अपराधी के साथ साथ जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उसके बाद प्रेस नोट के माध्यम से जो जानकारियां स्वाजनी करी, बहुत खतरनाक स्थितियां बनी। इतनी बड़ी तादाद में हथियार का जखीरा, बारूद, फैक्ट्री और जो फंडिंग की बात उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर आई है वो बहुत गंभीर है। जयपुर में पीसीसी के सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म डिपार्टमेंट की ओर से एक दिवसीय प्रदेश स्तरीय कार्यशाला दिशा का आयोजन किया गया। कार्यशाला में प्रदेश प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा, नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जुली सहित सोशल मीडिया से जुड़े लोग मौजूद रहे। कांग्रेस के सोशल मीडिया चेयरपर्सन सुमित भगासरा ने सभी का स्वागत किया। सुमित ने आज के दौर में सोशल मीडिया के प्रभाव के बारे में विस्तार से जानकारी दी। कार्यक्रम में प्रदेश भर से आए कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद रहे। लोकसभा चुनाव में सोशल मीडिया के जरिए अपनी भूमिका निभाने का भी वादा किया। फोन के माध्यम से जो देश में चोरी और सीना चोरी और महाघोटाला किया गया है उसके ऊपर आप दो शब्द बोलने के तैयार नहीं हैं। मणिपुर की हिंसा के बारे में आप दो शब्द बोलने के लिए तैयार नहीं हैं। साइना हमारे देश की जमीन पर कब्जा कर लिया, उसके आप दो शब्द बोलने के तैयार नहीं हैं। तो केवल भ्रमित करने के लिए आ रहे हो क्या? और चूरू, सीकर, शेखावाटी में जो उपाराम लिफ्ट परियोजना का जो पानी था 8,000 करोड़ रुपये हमारी सरकार ने स्वीकृत करा दी, केंद्र का हिस्सा मिल गया था, राज्य का हिस्सा मिल गया। लोकसभा चुनाव 2024 को निष्पक्ष और भयमुक्त संपन्न करवाने के लिए पूरा प्रशासनिक अमला जुटा हुआ नजर आ रहा है।
चुनावी दृष्टिकोण से संवेदनशील दूसरा लोकसभा क्षेत्र हॉट जिलों में शुमार है। जयपुर रेंज आईजीपी उमेश दत्त दौसा पहुंचे, उन्होंने संवेदनशीलता के साथ साथ चुनावी तैयारियों की समीक्षा ली। आईजीपी उमेश दत्त ने बताया कि पुलिस और प्रशासनिक अमला पूरी मुस्तैदी के साथ और ताकत और विजन के साथ लोकसभा चुनाव निष्पक्ष और भयमुक्त करवाने का हर संभव प्रयास करेगा। इस दौरान एसपी रंजिता शर्मा सहित पुलिस के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। प्रचुर मात्रा में डिप्लॉयमेंट की गई हैं और जो रन अप टू इलेक्शंस के अंदर भी जो एरिया डोमिनेशन ऑपरेशंस हैं उसका भी ध्येय यही है कि जो वल्नरेबिलिटी या जो इस तरह के एलिमेंट हैं जिनको लगता है कि वो अपना कुछ उसमें न्यूसेंस कर सकते हैं, उनका समय पे पाबंद होना, जहाँ ज़रूरत वहाँ केसेस का दर्ज होना और साथ में एक बड़ा क्लियर कट मैसेज जाना कि फेयर एंड फ्री निष्पक्ष इलेक्शन जो है उसके लिए पूरे का पूरा जो प्रशासनिक अमला है वो दृढ़ संकल्प है। एसएमएस अस्पताल बाटराहा संक्रमण अस्पताल के पास ओपन कचरा डिपो पर खुले में मिला बायोमेडिकल वेस्ट है और नगर निगम की टीम को निरीक्षण के दौरान डिपो पर खुले में मिले ब्लड सैंपल की शीशिया। इसके अलावा आपको जानकारी दे दें कि इंजेक्शन ग्लव्स रुईया और कुछ सुई भी और पट्टियां और सर्जिकल वेस्ट इस बायोमेडिकल वेस्ट की निगम प्रशासन ने वीडियोग्राफी करवाई। एसएमएस हॉस्पिटल अधीक्षक को नगर निगम ने ये नोटिस भी भेजा। मालवीय नगर जोन उपायुक्त अर्षदीप बराड़ ने नोटिस भेजकर इसे बताया एसओपी के विपरीत। अस्पताल के कार्मिक और रोगियों में संक्रमण फैलने की इससे आशंका बनी रहती है, ऐसी भी आशंका यहाँ पर जताई गई। साथ ही निर्देश दिए कि भविष्य में बायोमेडिकल वेस्ट का एसओपी के तहत निस्तारण करवाया जाएगा। वो नोटिस भी आपको दिखा रहे हैं टेलीविजन स्क्रीन पर, देख लीजिए कि किस तरह से नोटिस यहाँ पर भेजा गया, क्योंकि बायोमेडिकल वेस्ट का एसओपी के तहत निस्तारण करवाने को लेकर के नोटिस। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने राइट टू हेल्थ कानून को लेकर राज्य सरकार और डॉक्टर्स के बीच में हुए समझौते को लागू करने की मांग उठाई। आईएमए के पदाधिकारियों ने प्रेस वार्ता कर कहा कि पिछले साल 4 अप्रैल को राज्य सरकार के साथ समझौता हुआ था, लेकिन एक साल बीतने के बाद भी अभी तक समझौता लागू नहीं किया गया। एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर रजनीश ने कहा कि कोटा मॉडल के अनुसार हॉस्पिटल रेगुलराइजेशन सहित सभी मांगों को पूरा किया जाना चाहिए, समझौते के क्रियान्वयन से काफी राहत मिलेगी। फायर एनओसी, बीएमडब्ल्यू की रेट्स और इस तरीके के कई काम होते हैं, रेगुलराइजेशन ऑफ द हॉस्पिटल। जिस समय मरीज देखने का समय होता है उस समय या तो वो फायर एनओसी के लिए जाए या वो एसटीपी के लिए जाए या बायोमेडिकल वेस्ट के लिए जाए, रेगुलराइजेशन के लिए जाए या पीसीपी एनडीटी के एमटीपी के किसी भी लाइसेंस के लिए घूमता रहे। हमने उनसे जो बात की कि सब इनको करके आप एक सिंगल विंडो करें ताकि एक ही जगह पे सारे लाइसेंस मिल जाएं, जो भी हमारी ग्रीवेंसेज हैं वो भी एक जगह आ जाएं। हम मीडिया के माध्यम से ये सरकार को चेताना चाह रहे हैं, उनको हम कहना चाह रहे हैं कि कृपया इस मेमोरेंडम पे ध्यान दें और जो तीन प्रमुख मांगे हमारी हैं, फायर एनओसी को 5 साल का करना एक साल की बजाय, उसका प्रावधान 5 वर्ष का होना चाहिए, तुरंत सिंगल विंडो लाइसेंस सिस्टम लागू किया जाए और तीसरा नियमितीकरण जो कि बहुत ही आवश्यक है। इंडिया न्यूज अब फर्स्ट इंडिया प्लस के नाम से ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आ चुका है और आपको जानकारी दे दी कि इस फर्स्ट इंडिया प्लस पर हम लेकर आए हैं आपके सुपर सिंगर प्लस राजस्थान। इसमें राजस्थान की प्रमुख 12 शहर में ऑडिशन आयोजित हो रही हैं। इसी कड़ी में फर्स्ट इंडिया प्लस की टीम पहुंची अलवर में, जहां कई सिंगर्स ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया। फर्स्ट इंडिया प्लस एंटरटेनमेंट सुपर सिंगर प्लस राजस्थान पावर्ड बाय वंडर सीमेंट को पावर्ड बाय एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक एसोसिएट स्पॉन्सर जयपुर नेशनल यूनिवर्सिटी स्प्रिंगबोर्ड एकेडमी एंड कंपटीशन सपोर्टेड बाय डॉक्टर कामदार आई हॉस्पिटल एकिया एक्स ओराप कॉट्योर हाउस मेटा योगा म्यूजिक सेंटर देवरंजनी म्यूजिक स्कूल सीबा मसाले हॉस्पिटैलिटी पार्टनर होटल लेमोनेड अलवर। तो अलवर में ऑडिशंस खत्म हो चुके हैं और हमारे पास अलवर से जो जयपुर जाएंगे वो 3 हुनरबाज
सिंगर हमें मिल चुके हैं। तो आइए जजेस से जानते हैं कि कितना मुश्किल रहा ये सफ़र उनके लिए, इतने सारे सिंगर्स में से उन तीन को चुनना जो सीधा जयपुर जाएंगे। सर कैसा रहा और क्या कहना चाहेंगे आप? ऐसा लगा कि तीन तो कम है क्योंकि बड़ा मुश्किल था चयन करना, और दुख ये होता है कि जो रह गया उसकी सोच के, लेकिन ये कंपटीशन है और जो रूल है, रूल इज़ रूल, तो उसको एवेज में ध्यान में रखते हुए बहुत मुश्किल था। मैम कितना मुश्किल रहा ये चुनना, क्योंकि हमने देखा बहुत सारे सिंगर्स थे और सिर्फ तीन को चुनना था, तो क्या कहेंगे आप? मुश्किल तो बहुत था लेकिन तीन जो हमने छांटे हुए हैं वो मुझे लगता है कि आगे भी वो जीतेंगे, और बहुत अच्छा बीड़ा उठाया है आप लोगों ने, मैं बस यही कहना चाहूँगी। सर मैम ने तो कहा कि जो ये तीन जीते हैं यही आगे जीत जाएंगे जो यहाँ से चुने गए हैं, आप क्या कहेंगे? मैं उम्मीद करता हूँ कि मैम ने जो कहा है वो होना चाहिए, और इसके लिए मैं चाहूँगा कि ये अच्छी मेहनत करें, और जो बच्चे रह गए हैं उनका हमें भी दुख है कि वो बच्चे कहीं कम नहीं हैं, लेकिन चूँकि अब मजबूरी ये है कि तीन लेने हैं तो वो रह गए। आप तीनों वो तीन हैं जो सीधा अलवर से जयपुर जाएंगे, तो क्या कहना चाहेंगे, कितनी खुश हैं? खुशी तो बहुत ज़्यादा हो रही है, लगा ही नहीं था कि हो जाएगा, क्योंकि जिस हिसाब से परफॉर्मेंस हुई थी अंदर से कुछ मतलब थी नहीं संतुष्टि मुझे कि होगा, लेकिन सिर्फ जिसकी वजह से मेरा हुआ तो मुझे बहुत खुशी है, थैंक यू। और आपसे तो मैं आपकी खुशी, अगर आप गाना गाकर एक दो लाइनें गाकर बता दें कि आप कितने खुश हैं। प्रेम गली है साकिर गए दराजी भूल लत डारी रे डारी ऐसी बात रहे अदर में झूम हो कारियाँ घोगे पैमाने पैमाने कारियाँ घोगे नींद दादा नींद दादा रे रे नीजा हो दो दो जिंदा है मैं खाने कारियाँ घोगे ना करजा की अड़ियाँ वड़ियाँ पीनी है पीनी पीनी है हाय ना करजा की अड़ियाँ वड़ियाँ पीनी है पीनी पीनी है हमका पीनी है पीनी है हमका पीनी हमका पीनी है पीनी है हमका पीनी है। बहुत खूब, और आप क्या कहना चाहेंगे, कितने खुश हैं आप, अपनी खुशी का कैसे इजहार करेंगे? मैं बहुत खुश हूं और मैं कोशिश करूंगा कि सुपर सिंगर प्लस राजस्थान का विनर मैं ही बनूं, थैंक यू। बेस्ट ऑफ लक, तो आपने देखा कि कोशिश करेंगे कि सुपर सिंगर प्लस राजस्थान के विनर ये बने। वो कहते हैं ना कि अगर मेहनत पूरी लगन से की जाए तो उसका फल हमेशा मीठा होता है, तो वैसे ही अब देखा जाएगा कि कौन विनर रहेगा। बाकी ये तीनों अलवर से सीधा जयपुर जाएंगे। कैमरामैन संदीप के साथ छवि फौजदार, फर्स्ट इंडिया न्यूज़ अलवर। जानकारी दी थी कि सचिवालय में राजस्थान राज्य मंत्रालय कर्मचारी संघ की ओर से रक्तदान शिविर लगाया गया। जयपुर और श्री गंगानगर शुगर मिल्स के संयुक्त रक्तदान शिविर में कर्मचारियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें 100 यूनिट से ज्यादा ब्लड एकत्रित किया गया। शासन सचिव के पाठक, नरेश ठकराल समेत कई अफसरों ने रक्तदाताओं का हौसला भी बढ़ाया। इस दौरान भूपेश माथुर और संजय सोलंकी सहित कई अफसरों ने भी इसमें हिस्सा लिया। चित्तौड़गढ़ में जौहर श्रद्धांजलि समारोह का आयोजित किया गया, जिसमें अवधेश चैतन्य ब्रह्मचारी महाराज बतौर धर्मगुरु मौजूद रहे, तो वहीं डिप्टी सीएम दिया कुमारी, भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, पूर्व मंत्री उदयलाल आंजना, विधायक चंद्रभान सिंह आक्या, विश्व हिंदू परिषद के प्रांत अध्यक्ष प्रताप सिंह नागदा सहित संस्थान से जुड़े पदाधिकारी, कई विधायक और समाज के पदाधिकारी इसमें शामिल रहे। मुख्य समारोह से पहले शहर के मुख्य मार्गों से निकाली गई विशाल शोभा यात्रा के स्वागत में शहरवासियों ने पलक पावड़े बिछा डाले। शोभा यात्रा में शामिल सभी लोगों ने जौहर स्थली पहुंचकर वीर वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि दी, और समारोह के दौरान उत्कृष्ट प्रतिभाओं को सम्मानित भी किया गया। साथ ही वक्ताओं ने समाज को एकजुट होकर उत्थान की बात कही। इस दौरान चित्तौड़गढ़ दुर्ग के विकास को लेकर संस्थान से जुड़े प्रतिनिधि ने डिप्टी सीएम को ज्ञापन भी सौंपा।
कि इस बार शायद आप लोगों ने मेले के लिए, जौहर मेले के लिए कुछ आपके अनुदान आपने उसकी मांग रखी थी, पर क्योंकि अभी आचार संहिता थी तो इस साल वो शायद पूरी नहीं हो सकी, लेकिन आचार संहिता हटते ही उस पर भी पूर्ण रूप से आप लोगों की जो भी डिमांड होगी उस पर पूरा ध्यान दिया जाएगा। यहाँ पर हम सब लोग दुनिया के अगर किसी कोने में जाते हैं तो नाम लिया जाता है कि हम चित्तौड़ से हैं, तो वहाँ अलग ही मान सम्मान मिलता है। और इस धरा पर, जौहर स्थली पर सबसे पहले हम श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और उन गारव गौरव गाथाओं का भी गान करते हैं जिनकी वजह से एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन जौहर यहाँ हुए हैं, शाखा हुए हैं। और यही यहाँ की गौरव दाता है, जहाँ के कण कण और क्षण क्षण में वीरता और शौर्यता है। मुझे तो आज यहाँ बुलाया है, बड़ी प्रसन्नता हुई कि आपके दर्शन करने के लिए आया हूँ। मुझे कोई डाल दी थी इस मंच में भी करनी थे, लाइट एंड साउंड में क्या हो गया कि उसमें क्या हो गया। सरकार है, उस सरकार ने गलती की है तो जांच करो, जांच करने वालों को तुरंत जेल में डालो। अभी तो ईडी और सीबीआई सभी काम कर रहे हैं। जो और समृद्धि संस्थान की जमीन पड़ी है, जो पिछली सरकार में भाई श्रीचंद जी यूडीएस मिनिस्टर, मोदी एमएलए हो, बड़ी डेमेंट एनोट भी है, बड़ी पे भी बच्चों को छात्रावास भी बने और कंपटीशन को जमाना है, बड़ी कंपटीशन की तैयारी करवाओ वास्ते बटे का भी काम चालू करो है सरकार के थ्रू। कही वह सके भाई मुसीबी जोशी जी ने अर्ज करूँ, सरकार का काफी मिनिस्टर बेटा उन्होंने भी अर्ज करूँ और मां सब लोग मिल बड़े जत्रों में बजट लगेगा, बड़ी बजट लगवा की कोशिश कराऊंगा। और चलिए इसी के साथ फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज। नमस्कार।